बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फास बॉय सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 16 है हमारा टॉपिक चल रहा था, कल हमने शुरू किया है अलजबरा। क्लास 8 में मैथमेटिक्स का लेक्चर है ये, यूनिट नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है पॉलीनोमियल्स। कल के लेक्चर में हमने गुज़िश्ता लेक्चर में हमने अलजबरा के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ अलजबरा को जाना था। अब हम उसी को ही आगे बढ़ाते हुए पॉलीनोमियल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलीनोमियल की बात कर लेते हैं। पॉलीनोमियल इन मैथमेटिक्स में आप पॉलीनोमियल इज़ एन एक्सप्रेशन, एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो कंसिस्ट करती है वेरिएबल्स और कोफिशेंट दैट इन्वॉल्व्स, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं ओनली द ऑपरेशंस, सिर्फ ऑपरेशंस उसमें शामिल होते हैं ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी होता है एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, इस बात को समझ लेते हैं। इसमें यह बात कही जा रही है कि पॉलीनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो कि कंसिस्ट करती है वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट पर, और उसमें शामिल होते हैं ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस। वो क्या है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, डिवीजन है। बस इस बात का ख़ास ख्याल रहना चाहिए कि इंटीजर्स जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मींस पावर को भी, पावर एक्सपोनेंट दोनों एक ही चीज़ है। वेरिएबल्स की जो पावर हो, वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट हो, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका? इंटीजर्स हो, 0, 1, 2, 3 ये वेरिएबल्स की पावर हो, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। हम जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल इज, जनरल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए 0 एक्स की पावर एन प्लस ए 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए 2 एक्स की पावर एन माइनस 2, और ये चल रहे हैं डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये आगे जो है ए 3 एक्स की पावर एन माइनस 3। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, ये जो सेकंड लास्ट टर्म होगी हमारी ए की पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स प्लस लास्ट टर्म जो होगी ए एन एक्स की पावर एन, ये हमारी जनरल एक्सप्रेशन आ गई। वेयर हमें दो बातें इसमें समझनी है, इस एक्सप्रेशन में, इस जनरल एक्सप्रेशन में जो पॉलीनोमियल की फॉर्म में लिखी हुई है, इसमें दो बातें समझनी है। एक तो ये एन को समझना है, एन क्या है? एन इज़ अ इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। एन जो है वो इंडेक्स है, इंडेक्स कह लें, एक्सपोनेंट कह लें, पावर कह लें, ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3 ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड 0 इंडेक्स जो है वो 0 होना चाहिए। एक तो ये बात है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें इस बात को। आगे सारा दारोमदार इसी पर है। सेकंड जो इसका पॉइंट है, कोफिशेंट ए 0 कॉमा ए 1 ए 2 एंड सो ऑन ए की ए एन, ये जो हमारे पास ए 0 है, ए 1 है, ये सब हमारे पास क्या कहलाएंगे? ये कोफिशेंट्स कहलाएंगे, आर रियल नंबर्स। आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स मतलब हमारे पास कोफिशेंट जो हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? अपॉन में भी आ सकते हैं, पॉइंट में भी आ सकते हैं, रेशनल नंबर्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं। अपॉन की फॉर्म रेशनल नंबर की फॉर्म होती है, p अपॉन q, 1 अपॉन 3, ये रेशनल नंबर्स हैं।
लेकिन एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए मैं ज़ीरो रख लूँगा, हमने आगे भी बात की है इसके बारे में, ए अगर मैं यहाँ ज़ीरो रखूँगा तो ये पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर यहाँ मैं ए ज़ीरो रखता हूँ, ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो पूरी आंसर ज़ीरो ही आता है, तो पूरी टर्म ये ज़ीरो हो जाएगी, तो लिहाजा ये पॉलीनोमियल बनेगी नहीं। तो एग्जाम्पल से हम इस बात को समझ लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल ये लिखी है, 9x प्लस 2y कॉमा 4y रूट 2xy कॉमा रूट 1/7 आर पॉलीनोमियल्स। ये पॉलीनोमियल्स हैं, कैसे हैं इसको समझ लेते हैं। 9 लिखा हुआ है, 9 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इट मींस कुछ भी ले लें x, y, z, उसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। किसी भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो तो वो वन के बराबर होता है। तो ये जो है पॉलीनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो ज़ीरो है, और x की पावर या y की पावर, z की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो, मतलब ज़ीरो पावर ज़ीरो है, तो पावर ज़ीरो तो हो सकती है, इंडेक्स जिसे पावर कहते हैं वो ज़ीरो हो सकती है, तो लिहाजा ये पॉलीनोमियल हो गया। आगे देखते हैं, x की पावर यहाँ 1 है, y की पावर यहाँ 1 है, पॉजिटिव है, वेरिएबल्स की पावर को देखना है, वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स को देखना है, इसकी इसका जो एक्सपोनेंट है, इसकी जो पावर है वो 1 है, 1 है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। आगे देखते हैं, 4x, x की पावर 1 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉलीनोमियल है, रूट 2, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, दोनों की पावर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। आगे देखते हैं, रूट वन, वन का रूट में निकालूंगा तो 1 ही आएगा, 1/7, ये क्या है हमारे पास, मैंने आपको बात बताई कि हम जो है ये कोफिशेंट जो है रियल नंबर्स मतलब अपॉन की फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो इट मीन्स वो पॉलीनोमियल्स हैं। आगे देखते हैं, वो कौन से नंबर्स हैं जो कि नॉट पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल नहीं है, 8y की पावर 1/3, कभी भी पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट अपॉन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से 4/x, x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, मैं ऊपर लेकर आऊँगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, -1, तो 4x की पावर -1 हो जाएगी। तो मैंने आपको बात बताई कि हमारे पास जो है ये पॉजिटिव इंटीजर पावर जो है, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, जबकि मैं इसको ऊपर लेकर आ रहा हूँ तो पावर क्या हो गई, नेगेटिव, तो लिहाजा ये पॉलीनोमियल नहीं हुआ। 1/x² + 8, एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, अगर मैं इसको ऊपर लेकर आऊँगा वेरिएबल की पावर माइनस हो जाएगी, -2 हो जाएगी, तो वेरिएबल की पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो लिहाजा ये भी नॉट पॉलीनोमियल है। 3 की पावर 6 + 5/x, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, मैं ऊपर लेकर आऊँगा -1, माइनस नहीं होनी चाहिए, तो ये भी नॉट पॉलीनोमियल है। 1/y, y की पावर यहाँ पर माइनस पॉजिटिव का 1 है, मैं ऊपर लेकर आऊँगा माइनस का 1 हो जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगी, तो लिहाजा ये भी मतलब -1 नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, इस वजह से ये तमाम के तमाम आर नॉट पॉलीनोमियल्स हैं। मुझे उम्मीद है ये पॉलीनोमियल की डेफिनेशन और जनरल इक्वेशन, जनरल एक्सप्रेशन, इंडेक्स, कोफिशेंट और एग्जाम्पल से मैंने आपको बात समझा दी है, पॉलीनोमियल नॉट पॉलीनोमियल, मुझे उम्मीद है ये आप अच्छी तरह से क्लियर कर चुके होंगे। इस वीडियो को बार बार देखें, ये बहुत अहम तरीन टॉपिक है, और इसको समझने की कोशिश करें। आगे पूरा दारोमदार जो है हमारा यूनिट नंबर 5 और 6 दोनों अलजेब्रा से मुताल्लिक है, तो इसको अच्छी तरह से पॉलीनोमियल को क्लियर कर लें, और इसकी जो है मतलब कौन से टर्म जो है वो पॉलीनोमियल होती है, कौन से टर्म जो है वो पॉलीनोमियल नहीं होती है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। अब हम आगे समझते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल की हम बात करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल सेकंड टॉपिक हमारा है। पहला टॉपिक था पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल को हमने समझा, अब है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल्स की डिग्री को हमें समझना है। मैंने यहाँ पे दो कंडीशन लिखी है, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इफ़ अगर n इज इक्वल टू ज़ीरो, n ज़ीरो हो जाए, n हम जनरल इक्वेशन को देखेंगे, n जो है ये हमारे पास
ये अगर ज़ीरो हो जाए n एंड a ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये a जो है, ये जो हमारे पास कोफिशेंट है, ये ज़ीरो ना हो, अगर n ज़ीरो हो, x की पावर मतलब ज़ीरो, किसी भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो तो वो वन के बराबर हो जाता है। तो x की पावर ज़ीरो थी तो वो वन के बराबर हो गया, तो a ज़ीरो वन से मल्टीप्लाई होगा, a ज़ीरो वन से मल्टीप्लाई होगा तो a ज़ीरो आ जाएगा। तो देन पावर ऑफ x इज इक्वल टू a ज़ीरो मीन्स दैट द पॉलीनोमियल इज कॉन्स्टेंट, दैट द पॉलीनोमियल इज कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है। अ कॉन्स्टेंट इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री इज ज़ीरो। कॉन्स्टेंट जो पॉलीनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। कॉन्स्टेंट जो हमारे पास पॉलीनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, जैसे हमने बात बताई 9 कॉन्स्टेंट है ये, इसकी जो डिग्री है वो ज़ीरो है। कैसे, कोई भी वेरिएबल इसके साथ मौजूद नहीं है, एक्स वाई और जेड अगर ना हो, इट मीन्स नहीं है, तो इट मीन्स एक्स वाई जेड कोई भी ले लें आप, और एक्स की पावर ज़ीरो है तो हमारे पास ये डिग्री जो हो गई वो ज़ीरो हो गई। अ कॉन्स्टेंट इज़ अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री ज़ीरो, इस बात को अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें पॉइंट एफ, अगर एन इज इक्वल टू ज़ीरो, एन ज़ीरो मतलब एक्स की पावर ज़ीरो हो, ठीक है आगे चलते हैं, ए ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ए भी ज़ीरो हो, मिसाल के तौर पे एन भी ज़ीरो है और ए भी ज़ीरो है, कोफिशेंट अगर ज़ीरो हो गया, अगर ये कोफिशेंट, ये ए ज़ीरो जो है ये कोफिशेंट है, कोफिशेंट ज़ीरो हो गया, ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। देन पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ ऑल्सो अ पॉलीनोमियल, ये भी पॉलीनोमियल तो है लेकिन बट नो डिग्री इज एसोसिएटेड, ये अनडिफाइंड है, डिफाइन नहीं है इसकी डिग्री, कोई डिग्री नहीं। ठीक है, आखिरी टॉपिक हमारा आज का है कोफिशेंट ऑफ पॉलीनोमियल। कोफिशेंट को पर बात कल भी हुई थी, को मीन्स कोऑपरेट, एफिशिएंट मीन्स एफिशिएंसी को कोऑपरेट करने वाला, कारकर्दगी को। आगे देखते हैं, हमने यहाँ पर वन वेरिएबल कोफिशेंट पढ़ेंगे, टू वेरिएबल पढ़ेंगे, थ्री वेरिएबल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वन वेरिएबल को समझ लेते हैं, 4x, कॉमा ये एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो गई 4x, तो वन वेरिएबल है इसमें, ठीक है वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है x। अब मैं अगर इसमें यहाँ देखूँ 2x² + 9, ये भी एक ही वेरिएबल है, ये एक एक्सप्रेशन है, कॉमा से कॉमा तक एक एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल की है। आगे देखते हैं 5a² + 6a - 1, ये भी एक ही वेरिएबल है, ठीक है a एक ही वेरिएबल है। एंड y³ - 3y² + y + 7, हम इसमें देखते हैं जी बिल्कुल एक ही वेरिएबल है, क्योंकि y तीनों में y है। इन वन वेरिएबल, ये जो हमारे पास है ये सब वन वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। हम अगर इसके कोफिशेंट्स को देखना चाहें, दैट इज इसका कोफिशेंट क्या होगा, कोफिशेंट किसे कहते हैं, कल हमने बात बताई, जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है, वो कोफिशेंट कहलाता है। तो हमारे पास 4 जो है वो कोफिशेंट होगा किसका, एक्स का। आगे चलते हैं 2x² + 9, तो हमारे पास +9, ये तो एक अलग नंबर है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, लिहाजा ये कोफिशेंट नहीं है, ये कॉन्स्टेंट है। कोफिशेंट क्या है, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है उसे कोफिशेंट कहते हैं, तो 2 हमारे पास कोफिशेंट हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पर 5a² 5, वेरिएबल से पहले ये 5 कोफिशेंट हो गया, 6a वेरिएबल से पहले 6 कोफिशेंट हो गया, -1 ये कोफिशेंट वेरिएबल यहाँ मौजूद ही नहीं है, ये सिर्फ कांस्टेंट है, तो लिहाजा इसमें सिर्फ कोफिशेंट क्या होगा, 5 और 6 कोफिशेंट होगा। आगे देखते हैं एंड y³, तो हमारे पास यहाँ पर
नंबर को नहीं है यहाँ पर मौजूद कोफिशेंट, जब नहीं हो इट मींस अलजबरा में वन हम लिखते नहीं हैं, कल भी बात हुई थी, तो यहाँ पर वन आ गया। अब यहाँ हम आगे देखते हैं माइनस थ्री वाई स्क्वायर, वेरिएबल से पहले माइनस थ्री, माइनस के साथ हम लिखेंगे प्लस साइन, लिखते नहीं हैं लेकिन माइनस साइन को हम लाजमी शो करते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी वन है, वेरिएबल से पहले कुछ ना हो तो वो वन होता है, और ये तो कांस्टेंट है, तो लिहाजा हमारे पास वन वेरिएबल, ये हमने आपको समझाया एक वेरिएबल कोफिशेंट ऑफ वन वेरिएबल। अब कोफिशेंट ऑफ टू वेरिएबल्स को हम समझ लेते हैं। हमारे पास थ्री एक्स वाई, देखें एक्स वाई दो वेरिएबल है, सेकेंड यहाँ से यहाँ तक है, कॉमा से कॉमा तक है, तो दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक है ए एंड बी, ये भी दो वेरिएबल है। आगे चलते हैं यहाँ पर पी क्यू जी, बिल्कुल दो वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल ये हमारे पास कोफिशेंट ऑफ वन वेरिएबल है। अब हम कोफिशेंट्स को देख लेते हैं इनके, इस वेरिएबल से पहले थ्री, इसका थ्री कोफिशेंट हुआ, यहाँ पर टू कोफिशेंट हुआ, प्लस टू, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड माइनस थ्री अपॉन वाई, माइनस के साथ हम लिखते हैं माइनस लाजमी, माइनस थ्री अपॉन टू हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं ये हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस वन, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस का वन, कुछ नहीं होता लिखा हुआ तो हम वन कंसीडर करते हैं, वन हम समझते हैं, तो माइनस का वन आ गया। तो इसी तरह से एंड वेरिएबल से पहले ये हो गया हमारे पास टू, आगे देखते हैं यहाँ पर वन कुछ नहीं है तो वन हम लिखते नहीं हैं अलजबरा में, वन आ गया, यहाँ पर फोर आ गया, ठीक है। अब कोफिशेंट हम इसका देख लेते हैं, माइनस टू पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का माइनस टू आ गया, इस तरह से क्यू की पावर फोर, तो ये वन आ गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं बेटा लास्ट थर्ड, जी बेटा लास्ट को हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड, थ्री वेरिएबल कोफिशेंट ऑफ थ्री वेरिएबल्स है, वन टू थ्री, तीन वेरिएबल है और ये तीन वेरिएबल थ्री वेरिएबल्स वाली है, कोफिशेंट ऑफ थ्री वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, एंड यहाँ पर भी हम देखेंगे एक्स वाई जेड, जी बिल्कुल थ्री वेरिएबल्स हैं। इनके कोफिशेंट्स को देख लेते हैं, इसका कोफिशेंट हो गया वन, इसका कोफिशेंट हो गया वन, इसका कोफिशेंट क्या होगा, माइनस फाइव, जी बिल्कुल गुड, माइनस फाइव, ये कॉन्स्टेंट है। आगे देखते हैं एंड रूट सिक्स, ये लिखा हुआ है रूट सिक्स एक्स वाई, तो इसका कोफिशेंट क्या होगा, रूट सिक्स, कोफिशेंट में कोफिशेंट जो है वो रूट में आ सकता है। यहाँ पर कोफिशेंट क्या होगा वन, यहाँ पर कोफिशेंट क्या होगा वन, जी बिल्कुल यहाँ पर भी कोफिशेंट क्या होगा वन, ये थ्री वेरिएबल कोफिशेंट ऑफ थ्री वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इस वीडियो को बार बार देखें, अच्छी तरह देखें, इसको जहन नशीन करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें, ताकि हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 17 में 5.1 के कुछ सवालात को देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।